सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एडीआईएस कोर्स के बारे में। एडीआईएस इन द सेंस एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा ऑलरेडी, एडीआईएस बेसिकली होता गया है। लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स के अगेंस्ट बहुत सारा मिसकंसेप्शन मार्केट में अवेलेबल है, लोगों को गलत गाइड किया जाता है इस कोर्स के अगेंस्ट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ इसकी जितनी भी टैक्टिक्स है, इसका कोर्स किधर अवेलेबल है, इसके बेनिफिट्स किन लोगों को इस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ वीडियो में। सो वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। सो वॉच द वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, एडीआईएस बेसिकली होता क्या है और ये किन लोगों के लिए डिज़ाइंड है। सो एडीआईएस का फुल एक्रोनियम होता है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। यह इसका होता है एक्रोनियम। 1 ईयर का कोर्स है ये, ओके। जिसमें कि अगर मैं MSBT का जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ओके, जिनका कोर्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसका अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली उसमें 8 पेपर होते हैं, जिनमें से एक इलेक्टिव है। इलेक्टिव मीन्स आप उसके अगेंस्ट कोई दूसरा सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं, और एक उसमें प्रोजेक्ट रहता है। ये इसका सिलेबस है, ओके। 1 ईयर इसका ड्यूरेशन है कोर्स का। और अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, कौन इसे परस्यू कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जिन पे एक बैचलर्स डिग्री ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके, अदरवाइज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवेलेबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी में भी हो सकता है वो, और या फिर डिप्लोमा इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग अवेलेबल है। सो दे आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स ADIS। बट यहाँ पर लोगों को मिसगाइड कैसे करा जाता है, आप जब भी इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, सो एट द टाइम आपको बताया जाता है। अभी मेरे पे कुछ टाइम पहले एक केस आया जिसमें कि एक इंडिविजुअल को गाइड किया गया कि वो 1 ईयर का डिप्लोमा सबसे पहले करें, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, दैट इज़ DIS। आफ्टर दैट ही कैन गो फॉर लेटरल एंट्री इन BSc फायर एंड सेफ्टी, एंड आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दैट डिग्री ही कैन गो फॉर अ ADIS कोर्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इतना सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप पे कोर में अपने डिग्री, आपका कोर क्या है, फायर एंड सेफ्टी, अगर आप में उसमें कोई भी आप बीटेक की डिग्री ले लीजिए या फिर बीएससी की डिग्री ले लीजिए, देन यू डोंट नीड अ ADIS सर्टिफिकेशन और ADIS डिप्लोमा। वाई मीन्स, क्योंकि ADIS जो डिप्लोमा है, अगर आप उसका करिकुलम देखेंगे तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है जो आपने BSc में सीख रखा है ऑलरेडी। अगर आपने BSc करी है, इसका मतलब आपने बहुत कुछ उसमें सीख रखा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हमारा BSc का होता है, ओके। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, अगर आप पे ऑलरेडी एक BSc का डिग्री है फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, या फिर फायर एंड हजार्ड मैनेजमेंट जो भी है वो, अगर वो फायर एंड सेफ्टी डोमेन से है, देन यू डोंट नीड टू गो फॉर अ ADIS। ये कोर्स अगर आप डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, किस लोगों के लिए डिज़ाइन करा गया है, तो ये उन इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन है जो नॉन कोर ब्रांचेस से आते हैं। लेकिन नॉर्मल भी पीपल्स करते हैं जो फायर एंड सेफ्टी से आते हैं, लेकिन अगर आप एज अ फायर एंड सेफ्टी ग्रेजुएट हैं, अगर आप पे डिग्री अवेलेबल है फायर एंड सेफ्टी में, तो आप पे बहुत सारे अच्छे अल्टरनेटिव हैं वहाँ पे जाने के लिए। अगर आप अल्टरनेटिव्स की यहाँ पे बात करते हैं, आप पे कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, सो डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसके। फॉर एग्जांपल, अगर आप पे BSc इन फायर एंड सेफ्टी है, 3 ईयर्स का डिग्री है, देन यू कैन गो फॉर अ मास्टर्स डिग्री इन फायर एंड सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हाइजीन। मास्टर्स प्रोग्राम थ्रू आउट इंडिया अवेलेबल है फायर एंड सेफ्टी में, बट कंडीशन, अगर आप पे फाइनेंशियल सपोर्ट आप पे है, आप पे टाइम ड्यूरेशन है, आपकी फैमिली अलाउ करती है, आप पे इतना टाइम है अफोर्ड करने के लिए, देन यू कैन गो। अगर नहीं है, देन ADIS इज़ अ गुड ऑप्शन। अब ADIS में भी बहुत टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि मैं आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूँगा एक एक करके, वो कौन कौन से टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं ADIS के अंदर, बिकॉज ADIS कॉमन नेम है, ओके। तो ADIS कौन कौन प्रोवाइड करता है, जनरली आपके स्टेट टेक्निकल बोर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। अब स्टेट टेक्निकल बोर्ड्स क्या होता है, अब बहुत सारे लोग, उन्होंने नाम सुना होगा MSBT का, महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सो ADIS सिर्फ MSBT द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं इस डिप्लोमास को। अगर आप केरला में जाएंगे तो केरला बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, ओके, ये ADIS वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं, इवन कर्नाटका में करते हैं, केरला में करते हैं, आंध्रा में करते हैं, ओके। सो ये आपके स्टेट बोर्ड्स हो गए जो प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपने BSS का नाम सुना होगा, भारत सेवक समाज, ओके, वो लोग भी इसमें प्रोवाइड करते हैं ADIS का डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, 1 साल का। करिकुलम में थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत रहेगा, ओके। साथ ही साथ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, वो लोग भी इसमें प्रोवाइड करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो MSME से अप्रूवल हुआ है, और वो लोग भी ADIS का डिप्लोमा करते हैं। और साथ ही साथ आपने RLI एंड CLI का नाम सुना होगा, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, इफ़ नॉट
आप मेरे चैनल पर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। RLI एंड CLI इंडिया के टॉप कोर्सेज हैं अगर आपको इंडिया में एज ए HS ऑफिसर कैरियर बनाना है। आप RLI एंड CLI के कोर्सेज कर सकते हैं। वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं ADIS एंड DIS, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ओके, सो यू कैन चेकआउट माई दैट वीडियो फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग RLI एंड CLI। नाउ, अब इसमें से इतने सारे ADIS के कोर्स लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें से बेस्ट आपके लिए कौन सा है और किन लोगों के लिए ADIS सुटेबल है, तो वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो देखो, ADIS उन लोगों के लिए सुटेबल है जो नॉन कोर ब्रांचेस से आ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपने BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप मास्टर्स नहीं परस्यू करना चाहते, आपको जल्दी जॉब चाहिए सेफ्टी के अंदर, देन यू कैन गो फॉर अ ADIS डिप्लोमा। ओके, अब ये बात गलत रहेगी कि आप BTech सेफ्टी इन फायर इंजीनियरिंग से कर रहे हैं या फिर BSc फायर एंड सेफ्टी से कर रहे हैं। 3 ईयर्स आपने 3 ईयर्स इन्वॉल्व करा एंड देन यू आर गोइंग फॉर अ ADIS, बिकॉज आपने उससे कहीं ज़्यादा पढ़ा है BSc में, तो आपको ADIS में वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपको यहाँ पे RLI एंड CLI का ADIS मिल रहा है, देन यू हैव टू मस्ट गो देयर बिकॉज इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। मैंने अपने उस वीडियो में पर्टिकुलरली आपको बता रखा है इतना ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है ADIS जो है वो RLI एंड CLI का वैल्यूएबल क्यों है। और एक और सेकेंड रीज़न इसके पीछे ये है कि आपने सभी ने BCSP का नाम सुना होगा। इफ़ नॉट, यू कैन चेकआउट माई सीरीज़। मैंने BCSP के जो सर्टिफिकेशन है वो सेफ्टी के अंदर करेंटली टॉप पे स्टैंड करते हैं, तो मैंने हर एक इंडिविजुअल सर्टिफिकेट को ईच वीडियो में कवर कर रखा है, देन यू कैन चेकआउट देम वन बाई वन। ओके, सो अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आते हैं QAP एंड QEP क्राइटेरिया, क्वालिफाइड एकेडमिक प्रोग्राम एंड क्वालिफाइड इक्विवेलेंट प्रोग्राम। अब जो लोग मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं प्रीवियसली, देन दे आर अवेयर अबाउट QAP एंड QEP। ओके, सो जो ये सर्टिफिकेट है ADIS का बाय RLI एंड CLI, ओके, ये एक सब्सटेंशियल मैच है ASP का। इट मीन्स अगर आप पे RLI एंड CLI का सर्टिफिकेट है, ओके, ADIS का सर्टिफिकेट है RLI एंड CLI से, देन आप डायरेक्टली CSP को अटेम्प्ट कर सकते हैं वहाँ पे। आपको जो ASP का एग्जामिनेशन होता है उसको कोई देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, आपके जो स्टेट टेक्निकल बोर्ड्स हैं इनके डिप्लोमास कितने वैल्यूएबल हैं, इस पर अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। मैंने मेल करा हुआ है BCSP को, जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अगर वो एलिजिबल हैं, सब्सटेंशियल मैच अगर वो होते हैं ASP के, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। साथ ही साथ जो आपके स्टेट टेक्निकल बोर्ड के ADIS के डिप्लोमास हैं, ओके, वो डिप्लोमास ग्रैड आयुष की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आपको लेवल 6 क्वालिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट रिसेंटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेंबरशिप क्राइटेरियाज हैं आयुष के, वो भी चेंज होते जा रहे हैं कुछ कुछ, तो यहाँ पे आपको कुछ फ्लक्चुएशन इन द नियर फ्यूचर देखने को मिल सकता है। बट जैसा कि MSPT की वेबसाइट पे मेंशन है, अगर उनका डिप्लोमा आप लोगों के पास है और आपकी IPD एंड CPD क्या होती है वो अगर आप पे हैं, IPD CPD क्या होती है वो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। उसे मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है आपके प्रोफेशनल कैरियर में, ओके, अगर वो आप पे हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द ग्रेड आयुष मेंबरशिप विच इज़ द ग्रेजुएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पे एक BSc का कोई आप कह सकते हैं नॉर्मल डिग्री है, ओके, अब ADIS सुटेबल किन लोगों के लिए, जिन पे नॉन कोर ब्रांचेस से जो लोग आ रहे हैं, BTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल से जो लोग आ रहे हैं वो लोग इसे परस्यू कर सकते हैं। जो लोग सेफ्टी में जल्दी से जल्दी कैरियर बना चाहते हैं, क्योंकि ADIS का इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप देखेंगे इसका फीस भी जो है वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, ओके, समवेयर आपको ये पड़ जाएगा 50 से 60 हज़ार में कम से कम, उससे ज़्यादा इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। फिर आप किस स्टेट से किस स्टेट में पढ़ने के लिए से जा रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है इसमें। नाउ सब्जेक्ट्स की अगर इसमें बात करें, तो सब्जेक्ट्स आपको क्या क्या पढ़ने को मिल जाएंगे, तो सब्जेक्ट्स बेसिक से स्टार्ट कराए, कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस सेफ्टी है, इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इसमें टॉक्सिकोलॉजी भी इन्वॉल्व है। साथ ही साथ इसमें अगर आप और सब्जेक्ट की बात करें, तो इसमें एक प्रोजेक्ट भी इन्वॉल्व है आपका, आपको प्रोजेक्ट भी यहाँ पे करने को मिलेगा, जिसमें कि आपको कुछ इंडस्ट्रीज में जाकर रिस्क असेसमेंट वगैरह करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ आप इसमें दूसरे जो भी एडवांस सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको इसमें दिखने को मिल जाएंगे। अब इन द लास्ट मैं आपको एक बात इसमें और कहना चाहता हूँ वीडियो में, आपको कोर्स चूज़ करना है इंस्टीट्यूट के बाहर में आके नहीं चूज़ करना है, आपको वाइज बनना है, आपको कोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपको कोई सामने से कोर्स सेल अगर कर रहा है, देन यू शुड नो आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है। इसी के लिए आपने देखा होगा मैं अपनी जो चैनल है HS Academy ऑथेंटिक एंड रिलायबल नॉलेज, इसमें बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन की वीडियो डालता हूँ, ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो सके क्या कोर्स आप लोगों के लिए बढ़िया, साथ ही साथ आप अपने जूनियर्स को भी गाइड कर सकें इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो याद रखना है आपको, अगर आपको अपने करियर, आपको सिर्फ जॉब ही नहीं लेनी है, जॉब आपको मिल जाएगा अगर आप सेफ्टी में कोर्स कर रहे हैं, तो जॉब इज़ नॉट अ प्रॉब्लम।
अगर आप पे प्रॉपर नॉलेज है, आपने अच्छे तरीके से अपने कोर्स को करा हुआ, देन यू विल गेट अ जॉब वेरी इजीली। बट आपको इन द नियर फ्यूचर एक अच्छे पोस्ट पे जाना है, एक अच्छे लेवल पे जाना है, सो एट दैट टाइम आपकी वहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो ज़्यादा मैटर करेंगे। तो आपको इस वजह से कम पैसा लगा के बेस्ट से बेस्ट क्वालिफिकेशन चूज़ करनी है। सो दैट्स माई सजेशन फॉर यू। अगर आप ADIs के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। ओके, आप पे अगर ऑलरेडी सेफ्टी का डिग्री है देन यू डोंट नीड टू गो फॉर दैट। ओके, आपको वाइज बनना है हमेशा क्वालिफिकेशन को चूज़ करते में। आपको ये भी पता है कि हर क्वालिफिकेशन हर इंडिविजुअल के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोर्स को चूज़ कर रहे हैं। बाकी ADIs कोर्स बेस्ट है अगर आप इंडिया में करियर बनाना चाहते हैं। ओके, लेकिन याद रखिए सिर्फ ADIs ही आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप डिप्लोमा करके ADIs ले लेते हैं देन इट्स ओके, आप इंडिया में वर्क कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो टॉप सर्टिफिकेशन अभी चल रहे हैं, आप US के ले लीजिए, UK के, कनाडा के, आप एक टाइम पे उन्हें परस्यू करेंगे इन द नियर फ्यूचर। सो एट द टाइम आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ेगी। अभी बहुत सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पे मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बट दे डोंट हैव अ डिग्री। सो एश्योर करें कि आप पे सबसे पहले एक डिग्री हो, वो फायर एंड सेफ्टी में हो सकती है या फिर किसी भी चीज़ में एक डिग्री हो सकती है। तो वो एक डिग्री अगर आप पे होगी देन योर बैकग्राउंड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एट द टाइम। सो आपको मेक श्योर कर रहे हैं आप एक डिग्री हो सबसे पहले, देन यू कैन गो फर्दर। अगर आप पे डिग्री फायर एंड सेफ्टी के देन यू कैन टेक अ मास्टर्स, अदरवाइज नॉन कोर में अगर आप पे डिग्री है देन यू कैन गो फॉर ADIs, और अदरवाइज ADIs का सब्सिट्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा जिसे हम कहते हैं, आप उसे भी कर सकते हैं। लेकिन इट्स माय पर्सनल सजेशन टू यू, यू कैन गो फॉर ADIs कोर्स बिकॉज इट इज़ टू मच पॉपुलर इन इंडिया। सो ये था एनालिसिस पूरे टॉपिक का। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट्स हैं करियर रिलेटेड या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो या प्रीवियस वीडियो रिलेटेड, देन यू कैन राइट देम इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू फॉर योर रिस्पेक्टिव डाउट्स। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।